रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ। आज जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल करता है, तो आज बच्चों ने पकौड़ों की फरमाइश की है, तो चलिए हम जल्दी से पकौड़े बनाते हैं। तो बना ही रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जो हमने इसके लिए चीज़ें ली हैं उनमें है, मैंने 2 कप लिया प्याज, ली मैंने दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने काट लिया है बारीक और उसको धो लिया। हरी मिर्ची मैंने धोने के बाद 2 अदद काट ली हैं और 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ का आलू लिया है और उनको आप देख सकते हैं कि इस शेप में काट लिया है। गाइस ये रात का टाइम है और किचन में लाइट तो जल रही है पर सही तरीके से आ नहीं रही वीडियो। हमने लिए हैं सुरख मिर्च, लिया है मैंने 1.5 चम्मच, उसके बाद 1.5 चम्मच मैंने लिया है नमक और उसके बाद मैंने लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, उसके बाद मैंने लिया है हरा धनिया जो कि मैंने 1 चम्मच ही लिया है, उसके बाद मैंने हल्दी लिया है तकरीबन 1/2 चम्मच, तो पानी लिया है मैंने 1 गिलास, वैसे मैंने भर के रख लिया है, इसको हम मटेरियल के हिसाब से ही डालेंगे पानी। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो गाइस हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम अपने हाथों को आप अच्छी तरह से धो लें और हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। आप अगर हाथों की मदद से नहीं करना चाहती हैं तो चम्मच वगैरह से कर लें। वैसे मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैंने हाथ वॉश कर लिए हैं और अब हाथ से ही इसको मिक्स करूँगी। तो गाइस मटेरियल हमने तैयार कर लिया, ये देख लें आप। अगर आप पतले पकौड़े खाना चाहते हैं तो आपने इसका मटेरियल जो ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से होना चाहिए। और अगर आप मोटे पकौड़े शौक से थोड़े फूले फूले से खाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसे थिक रखना पड़ता है मटेरियल। गाइस अगर आपके पास इसमें आप पालक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं पालक के साथ पकौड़े। आज तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सके पालक लेने के लिए, तो जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद थी हमें उसी से पकौड़े बना रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए घी मैंने ऊपर रख दिया था गर्म करने के लिए, ये तकरीबन अब गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकौड़े बनाने के लिए मटीरियल शामिल करेंगे। आँच हम कर लेते हैं थोड़ी हल्की क्योंकि हमारा घी काफ़ी गर्म हो चुका है। चलिए अंदर शामिल कर लिया है, अब ये पकना शुरू हो गए हैं। आपने इस चिमटे की मदद से इसको बार बार पलटते रहना है ताकि ये जलने। तो गाइज़ आप देख सकते हैं पकौड़े हमारे आधे तकरीबन पक चुके हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये हल्की आंच पर, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाएं। गाइज़ ये मैंने सिंपल तरीके से बनाए हैं, जो घर के अंदर चीज़ें मौजूद थी उसी से बनाए हैं, और वैसे भी मैं आपको वही चीज़ें सिखाती हूँ जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं, उन्हीं मिसालों से हम चीज़ें बनाते हैं, ना कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो वीडियोज़ को देखते हैं फिर कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है तो शायद हमारे खाने में ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेस्टी खाना घर में जो मसाले पड़े हैं उससे भी बना सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा बनाने का तरीका होना चाहिए। तो जल्दी से मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसको फॉलो करते हुए रेसिपी कैसी बनी है। ये भी इतने ब्राउन नहीं हुए हैं जितने स्क्रीन में हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा शायद ये जल रहे हैं। इस टाइम थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो जिसकी वजह से मैं लाइट ऑन नहीं कर सकती इसकी, तो ये अभी इतने ब्राउन नहीं हुए हैं जितने स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं आपको। हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे और ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। गाइस आप देख सकते हैं कि पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बने हैं और बहुत मज़े के लजीज़ बने हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इसी तरह बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी बहुत मज़ेदार बनेंगे।
तो आपने मुझे इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने बनाने हैं, ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा आपके पकौड़े कैसे बने हैं। गाइस, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पकौड़े बनाएं या कोई ऐसी चीज़ जो घी में फ्राई होती है बनाएं, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर प्लेट में, जिसमें आप डिश में निकालने होते हैं, उसमें टिश्यू रखा करें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह निकाल लिया करेंगे। देखिए आप इसमें, इसने कितना सारा घी छोड़ दिया, तो ये बच्चों की और बड़े की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर आप इस तरह टिश्यू रखेंगे तो ये थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये बहुत ज़्यादा घी में फ्राई होते हैं। तो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर इस वीडियो को लाजमी कीजिएगा और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को बना सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो